रिसेंटली कुछ ड्रामों के क्लिप्स शायद आप तक, तक भी पहुंचे मुझे भी पहुंचे एक मिसाल के तौर तो पे वो रजाई बहन भाई वाला ड्रामे का क्लिप आया वो बड़ा हॉरिफाइंग सा था अजीब सा जिसमें पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बहन भाई जो है जो रजाई बहन भाई हैं उनका आपस में निकाह भी हो गया उन वो लड़की जो है वो हामिला भी हो गई है और अब इसको जो है ना ये एक नॉर्मल सी क्रिएट की जा रही है और सोशल मीडिया पर काफी शोर मचा फिर वो जो वुमन का स्लैपबैक वाला इशू था वो एक और जो है ना इशू सामने आया उसके बाद एक और इश, एक और ड्रामे का क्लिप आया जिसमें भैरोज फ्जवारी जो है बड़े पाकिस्तान के रेनाउंड एक्टर हैं उनको एक वालिद का किरदार दिया गया उस ड्रामे के अंदर और उस ड्रामे में दिखाया गया कि जो भाभी है और देवर है hmm. वो आपस में कुछ एक्स्ट्रा फ्रैंक हो रहे हैं एक दूसरे को यानी गले मिल रहे हैं उस करके और वो उसको लड्डू खिला रहे हैं पता नहीं क्या खिला रहा है मतलब एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस दिखाया जा रहा है और उस पर जो वालद मोहतरम है वो ऑब्वियसली इस्लामिक रूलिंग के मुताबिक उनको रोक रहे हैं जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि so, कितना एहतियात करनी चाहिए सो so, वो उसको दिखाया जा रहा है कि वो बच्चा जो है लड़का जो है वो उल्टा अब्बा जान पे चढ़ाई कर रहा है कि आप ओल्ड स्कूल है आपकी थिंकिंग खराब है मीडिया वाले अक्सर कहते हैं जैसे आप ये कह रहे हैं ना रजाई बहन बहन वो आगे से कहते हैं कि यार ये इश्यूज एग्जिस्ट कर तो रहे हैं हमने उस पर ड्रामा बना दिया आपको क्या तकलीफ है मिसाल के तौर पे ये इशू है कि किसी नहीं। को नहीं पता लगा और रजाई बहन भाई थे शादी हो गई अब हम नहीं। नहीं। दिखा रहे हैं हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम तो इसका क्या जवाब वो तो कहते हैं हम तो इश्यूज दिखा रहे हैं यार बात की पहले मैं जो है ना जुगत वाला जवाब दे हूँ फिर वो जवाब देखिए इशू तो ये भी है कि हम रोज बाथरूम जाते हैं आप वो दिखाते हैं टीवी पे बैठ के वो तो एक रियल इशू है हर रोज बंदा वॉशरूम जाता है तो क्या आप सारा गंद उठा के मीडिया पर दिखाना शुरू कर देते हैं कि यार ये भी गंद हो रहा है ये भी गंद हो

मसला जो है ये नेग्लिजिबल हो मगर आपने मीडिया पे ला के उसको इतना बड़ा वो कर असल दिया मैंने रजा भे, रज़ाई बहन भाई के जो आलम देखें हम तो यही देखते हैं कि रजा रज़ाई बहन भाई जो हैं एक उनमें एक बहन भाइयों का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक एक मुकदस रिश्ते के अंदर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे ऐसे सरकमस्टांसिस हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक बहन भाई जैसा रिश्ता भी hmm. वायलेट करना पड़ सकता है एंड दैट कैन बी परफेक्टली फाइन गिवन इन ऑब्वियसली पाकिस्तानी माशरे के अंदर तो ये किया जा सकता है hmm. लेकिन इसके हवाले से जो शरीयत का स्टांस है hmm. अच्छा अल्लाह के रसूल के दौर में भी यह मसला hmm. हुआ था अल्लाह के रसूल के दौर में एक जो थे रज़ाई बहन भाई थे क्योंकि वहाँ पे तो रज़ात का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था दाइयाँ होती थी वो दूध पिलाती थी कई कई औरतों को आ, आपको पता है हलीमा सादिया जो थी उन्होंने भी कई कई बच्चों को दूध पिलाया हुआ अल्लाह के रसूल के कितने बहन भाई थे तो अरबों के हाँ ये तो कॉमन मसला था तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक मियाँ बीवी की शादी हुई मतलब मेल फीमेल की शादी उनके बच्चे तक हो गए आगे एक औरत ने एक दिन उनसे मिली तो दोनों को देखा तो उन्होंने कहा तुम दोनों को तो मैंने दूध पिलाया हुआ अच्छा उनके बच्चे तक हो गए ये भी नहीं है कि बच्चे नहीं भी ये नहीं शादी हुई है वो बच्चे तक हो गए तो अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास जाके केस कहा केस गया कि एक औरत कह रही है सिर्फ बुढ़िया औरत कह रही है कि हमारे बच्चे भी हो गए हैं और वह है क्या हम उसकी शहादत पे बिलीव कर सकते हैं आपने कहा तुम कैसे अपने साथ रह सकते हो जब तुम्हें एक औरत ने कह दिया है कि तुम लोगों को मैंने दूध पिलाया हुआ है तो आपसे ऐहदगी करवा दी थी बच्चे भी थे आपनेलीहगी करवा यही आपने वहाँ पर ये नहीं किया कि इसको नॉर्मल किया आपने उतने ही स्ट्रिक्ट वो कहें हमारी फैमिली है हमारे बच्चे हैं देखा जो तस्वीर ही नहीं है औरत ने क्या दिया खत्म हो गई तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि औरत के मसलों के अंदर औरत की शहादत का, काफ़ी हो जाती है कुछ मसाइल में अ, अब वो जहाँ तक बहरोसारी की जी। आपने बात जी जी बिल्कुल मैं चार था उसको हाईलाइट करूँ अब वो बिल्कुल इसी तरह जया मैं एक टीचर हूँ मैं दो स्टूडेंट्स को डांटता हूँ कि आपस में बातें ना करो क्लास का एक डेकोरम है अब वो उठ के ड्रामा बना दें कि ये मोहम्मद अली साहब

शक कर रहा इसकी नियत थी आपकी थी। सोच गंदी है, आपकी सोच गंदी है। तो ये, इट्स रिडिकुलस। मतलब ये पता नहीं चौदह आपके सामने नहीं आए कितनी दफा के जो है वो देवर भाभी को एक खातून ने मैसेज किया कि उसके अपने यानी पता नहीं उसके साथ मसला था किसी और का था उसने तो बताया कि अगर ऐसा हो मसला के खातून की अपने जो देवर के साथ रिलेशनशिप हो से बच्चे हों hmm. तो और वो तोबा करना चाहती है वट इज द वे आउट और इसी तरीके से मेरे सामने दो तीन केसेस ऐसे आए जिसके अंदर जो है ना वो खातून ये कह रही है कि मेरा जो देवर है वो मुझसे वो मुझे वो हरास करता है और मैं क्या कर सकती हूँ मैं एक गरीब फैमिली से मेरा तल्लु है तो मैं इसको कैसे कर सकती हूं मतलब मेरे, मेरे पास क्या वट इज द वे आउट ना मैं अपने हस्बैंड को कह सकती हूँ ना फैमिली में कह सकती हूँ मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ मेरा मसला है क्या ये मसला रियलिटी में नहीं है एग्जिस्ट करता है ये मसला अल्लाह माफ करे तो इसको मैं समझता हूँ ऐसे हालात के ऊपर एक घर के भड़े को इतना सेंसिटिव होना इट इट सेंस ये तो औरत की प्रोटेक्शन के लिए ये ये जो जरूरी रजाई है भाई वाला बात करते, ये मसला रेयर है ठीक है ना ये मसला रह रहा है लेकिन जो रिलेशनशिप कायम हो जाता है बिटवीन देवर भाभी ठीक है हमारे पास तो केसेस आते हैं हमें, हमें, साथ हमें साथ करना पड़ता है इसीलिए की हदीस में कि डेथ फॉर यू क्योंकि वो किसी को डिटेक्ट नहीं होता देखिए किसी के घर कोई गाड़ी आती है बाहर से कोई बंदा आया गैर बंदा है तो पूरे नेबरहुड को पता होता है भाई ये गाड़ी सुबह क्या कर रही थी जब उसका शोर कहाँ पे गया था देवर तो वहीं रह रहा है उस वो तो कभी किसी किसी के मतलब वह गुमान में भी नहीं आता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है और मेरे पास एक इतनी बड़ी हॉर स्टोरी थी मैं आपको बता नहीं सकता वो Uh, हुआ ये कि खातून जो थी उनके uh, यानी हस्बैंड हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं उनके uh, चार पांच बच्चे हैं और एक दिन उनके हस्बैंड का कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो गए उनका जो भी उनका होना था सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ तो उसमें जो भी टेस्टेस करते हैं वगैरह तो उसमें उन्होंने जो है ना uh, उनको बताया कि uh, सर आपको हमने थोड़ी सी बैड न्यूज़ देनी है उनका क्या हो गया उन्होंने कहा कि आपकी औलाद नहीं हो पाएगी तो उन्होंने कहा नहीं मेरे तो माशाल्लाह चार पांच बच्चे हैं तो उन्होंने कहा नहीं आपके तो हो ही नहीं सकते यू आर यू आर इम्पोर्टेंट आपका तो वो है ही Allah नहीं Allah वो तो आपके तो जो स्पर्म और दिस। काउंट तो उसने कहा कि जी मेरे तो लेकिन चार पांच बच्चे हैं तो hmm. उन्होंने जब उसके बाद डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया सब कुछ किया तो वो पता चला वो उसके बच्चे ही नहीं थे वो एक्चुअली उसके

तो वो मुझे क्या कहेंगे कि भाई आप पब्लिक वेलफेयर को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने लगे हैं आपको देख के बाकी भी नहीं पहनेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर दो अगर आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो इससे ये भरी है क्योंकि पैसे कमाने